26 सितंबर 2022 को एक महिला की हत्या होने की सूचना पुलिस को सवेरे प्राप्त हुई थी, करीबन 10 बजे के आसपास। मौके पे मेरे द्वारा, सारी टीम के द्वारा निरीक्षण जो है वो कराया गया था। बेसिक एविडेंसेस वहाँ से इकट्ठा किए गए थे। जब पूरी वहाँ पे इनफैक्ट ये भी देखा गया था कि सीसीटीवी कैमरास भी डैमेज कर दिए गए थे, घर में लगे हुए डीवीआर भी वहाँ से लेके गए थे, कुछ मोबाइल वहाँ से गायब थे महिला के। और बड़ी निर्गुण तरीके से, ब्रूटल तरीके से उसकी हत्या जो है वो कर दी गई थी। पुलिस को 4 टीमें लगा के इसमें इन्वेस्टिगेशन के लिए और सारी बरामदगी के लिए लगाया गया था। कई सारे एंगल्स पे इस पे जो है वो बातचीत की गई, कई लोगों से बातचीत उसमें की गई, इंटरोगेशन किया गया। कि बाद में ये ज्ञात न हुआ कि एक लड़का जिसका नाम विपुल है, वो इनके घर पे उसका लगातार आना जाना था, क्योंकि इनके मिस्टर जो है वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में मिजोरम में पोस्टेड है, तो इनके घर पे उसका आना जाना था ताकि घर का कुछ सामान की खरीदारी और महिला को अस्पताल लेके जाना, इसके लिए उनके पति ने इसको वहाँ पे लगा के रखा था। सारे घर की डिटेल जानकारी इस व्यक्ति को हमेशा रहती थी कि कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी है। इनका एक दिन पहले अनीस यादव नाम के एक अपराधी के साथ, जो कि उसी एरिया में रहता है, उन महिला के घर से लगभग 200-400 मीटर की दूरी पर रहता है, वहाँ पे इनका प्लान जो है वो बना कि हम लोग पिस्टल और अन्य चीज़ें जो वहाँ पे घर में रखी है उसकी चोरी हम लोग करेंगे। क्योंकि विपुल को महिला जानती थी, तो विपुल को मॉर्निंग में लगभग 8, 8:30, 9 बजे के बीच में महिला ने उसके लिए दरवाज़ा खोला, वो व्यक्ति अंदर है, उसके साथ साथ अनीस नाम का व्यक्ति भी उसके साथ अंदर आया, और अनीस जो है वो अंदर जाने की कोशिश कर रहा था रूम के अंदर ये सारी चीज़ों को चोरी करने के लिए। उसी बीच में महिला को कुछ संदेह हुआ, उसने हल्ला मचाना जो है वो शुरू कर दिया। बाहर से एक जुलूस वहाँ से जा रहा था पोहारी बाबा का आश्रम की तरफ, जो कि महिला के घर से करीबन 100 मीटर की दूरी पे है। जब महिला ने हल्ला मचाना शुरू कर दिया तो डर के मारे या जो भी है, इन लोगों ने उसकी निर्घृण तरीके से हत्या कर दी, ताकि कोई भी तरीके का एविडेंस वहाँ पे ना रहे। उसका मोबाइल फ़ोन वहाँ से गायब कर दिया, उसका सीसीटीवी कैमरा डीवीआर वगैरह भी वहाँ से गायब कर दी गई, और एक पिस्टल वहाँ से लूट होने की सूचना जो है हम लोगों को मिली है। पिस्टल अभी तक रिकवर नहीं हुई है, उसका लगातार उसकी तलाश चल रही है। बाकी जिस बाके से इसकी हत्या कर दी गई थी, उस बाका जो है वो रिकवर हुआ है। इनके खून से लदे हुए कपड़े जो है, सने हुए कपड़े भी वहाँ से बरामद हुए हैं, और अन्य एविडेंसेस कनेक्ट न करे जाएंगे, और ऐसे व्यक्तियों को प्रबल पैरवी करके न सजा भी करवाई जाएगी। इनका सर कोई आपराधिक इतिहास? अनीस यादव जो व्यक्ति है उसके ऊपर 6 मुकदमे पंजीकृत है, और आर्म्स एक्ट में और 307 में ये पहले भी कई दिनों तक जेल रह चुका है, और उसका साथी विपुल जो कि महिला का भी जानने वाला था, इनके साथ मिलके इसने महिला की हत्या जो है वो कर दी। मेन मकसद इनका पिस्टल चोरी का ही था? इनका मेन मकसद पैसे, ज्वेलरी और पिस्टल की लूट का हो सकता है। पिस्टल वहां से जो है वो लूटी हुई है, क्योंकि हल्ला इतना हो सकता है कि मचाया होगा उस समय पे, कि अन्य चीज़ें ये लोग लूट ना सके हो। बट पिस्टल की रिकवरी के लिए पुलिस की टीमें अभी भी लगी हुई है। कुछ पुरस्कार पुलिस टीम से? पुलिस टीम को मेरी तरफ से 20,000 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा, क्योंकि बिल्कुल ब्लाइंड केस था, और 6-7 दिन